channel and learn with Anika. So today we are going to do in this video story time and play time. So let's get started. मैंने आपके लिए एक अच्छी सी स्टोरी कर रखी है. अभी मैं पेज खोल के आपको दिखाती हूँ. सो इसमें है आपको दिख ही रहा होगा शिक्षा का अर्थ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अनीता अच्छी तरह से जानती थी कि कक्षा की कई लड़कियां उसे पसंद नहीं करती थी. उसकी सहपाठी लड़कियां सोचती थी कि वह बहुत दिखावा करती है. अनीता उनके कहने पर ध्यान नहीं देती थी. अनीता केवल एक ही बात पर ध्यान देती थी कि उसे कक्षा में हमेशा प्रथम आना है. लेकिन नंदनी ऐसी नहीं थी. एक अनीता के अलावा नंदनी को सब पसंद करते थे. नंदनी सदा मुस्कुराती रहती थी. जिस किसी को भी गृह कार्य में मदद की जरूरत महसूस होती, नंदनी उसकी मदद जरूर करती. जब भी कभी उसे सामूहिक निर्णय लेने की बात आती, पूरी कक्षा नंदनी की ओर देखने लगती देखती. जब कोई उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहता था, इन सारी बातों के कारण अनीता को नंदनी से बहुत ईर्ष्या होती थी. वह स्वयं को यह कहकर तसल्ली देती थी, जो भी हो कक्षा में सर्वप्रथम तो मैं ही आती हूँ, नंदनी तो दूसरे नंबर पे रहती है, इसे तो मैं ही अच्छी साबित होती हूँ. इस तरह मन को बहलाकर वह अपने मन में कई बार इन शब्दों को दोहराती. हर बार जब वह नंदनी को मुस्कुराता देखती और अपने अवकाश के समय किसी की मदद करने में कुर्बान करते देखती, तो वह मन ही मन अपने शब्द दोहराने लगती. अधिकतर छात्राओं को परीक्षा से भय लगता था, लेकिन अनीता को नहीं. उसके लिए परीक्षा अत्यंत आनंद का विषय है. यह वह निश्चिंत रहती थी और अपने सहपाठियों को विषय याद करने में लगातार जुटे देख के उसे बड़ा मजा आता था. अनीता में प्रश्न से के सही उत्तर ठीक तरह से लिखने की अद्भुत प्रतिभा थी, और परीक्षा में वह अपनी प्रतिभा दिखाने का कोई मौका चूकती नहीं थी. मगर इसमें वह किसी की दूसरे की मदद नहीं करती थी. लेकिन जब यही सब नंदनी के पास जाती, तो वह उनके हर संभव मदद करने का प्रयास करती. अनीता को नंदनी का व्यवहार कुछ समझ नहीं आता था. तुम इन बेवकूफों को क्यों सिखाना चाहती हो? तुम्हें अपना ध्यान खुद ही पढ़ाई में लगाना चाहिए. क्या जाने तुम्हारे और मेरे बीच जो अंतर है वो कभी कम हो जाए. हो सकता है, लेकिन खुद को मैं बदल नहीं सकती, नंदनी ने मुस्कुराकर जवाब दिया. अनीता का मनपसंद विषय समय जल्दी ही आ पहुंचा. परीक्षा के समय सारिणी को घोषणा हो गई. पहले ही दिन अंग्रेजी का पर्चा था. अनीता मेरी शुभकामना परीक्षा वाले दिन सुबह उसके पिता ने अनीता मेरी शुभकामना परीक्षा वाले दिन सुबह उसके पिता ने उसे आशीर्वाद दिया. मैं सैर करने जा रहा हूँ, ड्राइवर तुम्हें छोड़ देगा. अनीता कार में बैठ गई और स्कूल के समय से पहले ही पहुँच गई. घंटी बजी तो सभी छात्राएं परीक्षा हॉल में एकत्र हो गए. सबके मुख पर गंभीरता थी. कैसे बेवकूफ है, अंग्रेजी की परीक्षा देने से मैं इतना घबराती क्यों है? एक मिनट. अपनी डेस्क पर बैठते हुए अनीता ने सोचा. फिर उसने नजर घुमाकर नंदनी को देखना चाहा. नंदनी उसे नहीं दिखाई दी. पागल कहीं की, वह होठों ही होठों में बुदबुदाई. परीक्षा देने भी ठीक समय पर पहुंच नहीं सकती. आधा घंटा, फिर एक घंटा बीता. अभी नंदनी का पता नहीं था. अनीता बहुत खुश हो गई.
तो आज नंदनी परीक्षा देने नहीं आ रही है। वह फेल हो जाएगी और मैं एक बार फिर से कक्षा में प्रथम आऊंगी। परीक्षा खत्म होने में आधा घंटा ही बचा था कि नंदनी पसीने से तबतर हाँफती हुई परीक्षा हॉल में घुसी। अध्यापिका ने उसे सहारा देके कुर्सी पर बिठाया और उसके हाथ में प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका थमा दी। बेचारी नंदनी ने कांपते हुए हाथों से जैसे तैसे लिखना शुरू तो किया, लेकिन अधबीच में ही छोड़ दिया। परीक्षा समाप्त होने पर सब नंदिनी के इर्द गिर्द जमा हो गए। क्या हुआ, तुम्हें देर क्यों हो गई? मुझे ऐसे ही बस देर हो गई, नंदिनी ने बताया। नंदिनी पर सवालों की झड़ी लग गई, परंतु वह जवाब देने से कतरा रही थी। अनीता खुद को रोक ना पाई और उसने नंदनी पर ताना कसा। तुम बहुत आलसी हो, ठीक हुआ अब तुम परीक्षा में फेल हो जाओगी। नंदनी की आंखों में आंसू आ गए, आंसू टपक पड़ा और वह वहां से भाग गई। अनीता अपने कार में घर रवाना हुई। रास्ते में उसने अपनी कई सहेलियां को जाते देखा, किंतु किसी को भी लिफ्ट नहीं दी। अनीता जब घर में घुसी तो उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। घर में उसके रिश्तेदार आए थे और माँ बहुत चिंतित दिखाई दे रही थी। उनका डॉक्टर सबको दिलासा देने की कोशिश कर रहा था। क्या हुआ, अनीता ने अपनी माँ से की ओर दौड़ी। उसकी माँ ने उसे अपने से चिपका लिया। कुछ नहीं बेटी, ईश्वर की कृपा थी कि कुछ हुआ नहीं। डैडी कहाँ है, डैडी कहाँ है? उसकी माँ उसके बेडरूम में ले गई। उसके पिता ने कमजोर आवाज में कहा, अभी उनसे ज्यादा बात मत करो। उसकी माँ ने उसे वहां से ले गई। हॉल में जाकर माँ ने उसे सारी बात बताई। तुम्हारे डैडी जब सैर करने गए थे तो उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ गया और वे फुटपाथ पर गिर पड़े। वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम्हारी कक्षा की एक लड़की वहां से गुजर रही थी और उसने उसे उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया। अनिता के मन में धुक धुकी होने लग गई। उसने कुछ अंदाजा होने लगा था कि वह लड़की कौन हो सकती है। क्या उन्होंने उसका नाम बताया? हाँ, कोई नंदिनी नाम की लड़की थी, उसकी माँ ने बताया। अनीता ने कुछ पल अपनी आंखें बंद कर ली और वह समझ नहीं पा रही थी कि उसे क्या रहा है, उसे हो क्या रहा है। जिसे उसने देर से आने के लिए ताना मारा, जिसका मजाक उड़ाया, उसी ने उसके पिता की जान बचाई थी। उसने उसे अपने 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 आप से नफरत होने लगी। अगली सुबह तक उसका मन बदल चुका था। वह जल्दी स्कूल भागी। नंदनी पुस्तकालय में के पास खड़ी थी। नंदनी, उसने हिचकते हुए पुकारा, मैं तुमसे माफी चाहती हूँ। किस बात की माफी, नंदिनी ने आश्चर्य से पूछा। कल जो तुमने तुम्हारी दिल खिल्ली उड़ा उस खिल्ली उड़ाई उसके लिए तुमने मेरे पिता की जान बचाई और मैंने देर से आने के लिए तुम्हारा ही मजाक उड़ाया। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, तुमने मौका ही कब दिया, नंदिनी ने कहा। कुछ देर बाद प्रिंसिपल ने एक विशेष सभा बुलाई। बच्चियों, विज्ञान और गणित सीखने की शिक्षा नहीं है, शिक्षा ग्रहण ग्रहण करके किसी का एक अच्छा मनुष्य बनना भी आवश्यक है।
कक्षा में अच्छे विद्यार्थी होने के लिए कक्षा में प्रथम आना जरूरी नहीं है, बल्कि उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए। और मुझे खुशी है कि नंदनी ऐसी ही एक अच्छी छात्रा है। उसने एक व्यक्ति की जान बचाई, हालांकि उसके लिए उसने परीक्षा कुर्बान कर देनी पड़ी। नंदनी, हमें तुम पे गर्व है। सभी ने तालियां बजाई, लेकिन अनिता ने ज्यादा जोर से तालियां बजाई। जब वह घर जाने लगी तो उसने अपने कई सहपाठियों को बुला लिया कि वह उन्हें घर छोड़ देगी। वह लड़कियों को देख के मुस्कुराने भी लगी। वह अब उनके गृह कार्य में भी मदद करती थी और जो कुछ भी उसके पास होता उसे दूसरों के साथ बांटने लगी। कुछ हफ्तों में के भीतर लड़कियां उसके पास भी उसी तरह आने लगी जिस तरह नंदनी के पास आती हैं। जल्द ही अनिता और नंदनी पक्की सहेलियां बन गईं। किसी ने अनिता से इस परिवर्तन का राज पूछा। मैंने जान लिया कि मेरे माता पिता से मुझे जान प्राप्ति के लिए ही मुझे स्कूल नहीं भेजते हैं। वो सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि एक मैं अच्छे इंसान बनना भी सीखूं। नंदिनी ने मेरी आंखें खोल दी, अनिता ने मुस्कुराते हुए उत्तर उत्तर दिया। सो फ्रेंड्स, अभी 15 मिनट तक मैं वीडियो बनाऊंगी। 5 मिनट और है, 5 मिनट में हम खेल के जल्दी से वीडियो बंद करते हैं। एग्जाम्स चल रही थी इसलिए मैंने सब कुछ अंदर रखा है। तो मैंने अभी ये मम्मी मम्मी मुंबई चली गई है रिसेंटली। उनकी अलमारी खाली हो गई, तो मैंने अपना पूरा का पूरा उनकी अलमारी पे कब्जा कर लिया। तो मैंने पूरा उसे अपनी खिलौने की दुनिया बना लिया। अभी दिखाती हूँ। यहाँ पे पता नहीं क्या क्या रखा है यहाँ पे, क्योंकि क्रिसमस में मैं कोई वीडियो नहीं बनाई थी, इसलिए मैंने क्रिसमस की तरह इसे पूरा सजा दिया है। यहाँ पे गिफ्ट भी हैं, ये गिफ्ट यहाँ पे भी एक, और यहाँ पे भी सब सजा हुआ है। अरे ये क्या है? अच्छा, दूध नहीं पिया अभी इसने। गुड्डू, सॉरी चिड्डू, आपने पिया क्यों नहीं? दूध पीना पड़ेगा आपको, पियो। उसका नाम चुड्डा है और इसका नाम गुड्डू है। अरे उल्टा क्यों है? हेलो फ्रेंड्स, आज मेरा हैप्पी बर्थडे है। हाँ, आज इसका बर्थडे है, तो बर्थडे पे इतनी सारी चीज़ें मिली हैं इसलिए इसका एक अलग सा कॉर्नर बन गया है। ये फाइन है, हमारे रेस्टोरेंट चला है देसी तड़का रेस्टोरेंट, और उसके नीचे पॉपकॉर्न का टेबल है। तो अगर किसी ने बे पिल नहीं पिल नहीं बे पिल पे बिल किसी ने पे नहीं किया तो इसे फाइन देना पड़ेगा। फाइन 1 लाख, पता नहीं कितना है ये। और गो टू जेल्स, मैं कुछ भी लिख देती थी। इसकी कंघी भी मिली है गुड्डू की। अरे आप ये नीचे देख सकते हो, इसका मेकअप किट है, ये यहाँ पे रखा है कि यहाँ से कुछ भी ले लेके बनाती रहूँगी। और ये मैंने हैप्पी न्यू ईयर का कार्ड बनाया था जो आधा ही अधूरा रहेगा, तो मुझे एक रिबन मिला उसी पे मैंने ये लगा दिया। एंड दिस इज द बॉटल आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाई ये बॉटल। और ये एक और है उसका, वो है कंघी। अभी पूरा कंघी करके आया, फिर से बिगड़ गए हैं इसके बाद। और ये तौलिया है, ये पेंटन जो लड़कों का फेवरेट होगा। ऊपर भी कुछ डेकोरेटिव आइटम्स हैं, एंड नीचे डब्बा है एज अ स्टैंड फॉर दीज थिंग्स। और ये क्या है? टन टन टन, दया पकड़ लो लन में तनिका को। और फिर आप ये सोच रहे होंगे कि ये क्या है। ये इसकी जैकेट है जो एक बार मेरा गुब्बारा फट गया था, तो उसका जो रबड़ नहीं निकलता है, तो उसी से मैंने इसकी जैकेट बना ली। अब ये पेन है, रहा नहीं है, तब से दिया है मैंने पेन। और दिस इज माई फूल, क्या कहते हैं फूल, मेरा वो है टूर। आपको बताइएगा ये आपको कैसा लगा, प्लीज़ डू। ये देखिए मेरा फ़ोन भी मिल गया।
प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एनी द जीनी एंड बाय बाय.